नवी मुंबई महानगर पालिका के आम चुनाव के लिए आज वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने वार्डों के आरक्षण की घोषणा की। नवी मुंबई महानगर पालिका के आम चुनाव के लिए आज वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने वार्डों के आरक्षण की घोषणा की। नवी मुंबई महानगर पालिका की 122 सीटों के लिए आज वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी समेत कई पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद थे। मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर ने वार्ड आरक्षण की घोषणा करते हुए बताया कि नवी मुंबई की कुल 122 सीटों में से 61 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ओपन श्रेणी, ओबीसी और अनुसूचित जाति की 3 श्रेणियों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन घोषित किया गया है। आयुक्त के अनुसार 84 सीट सामान्य वर्ग यानी ओपन श्रेणी के हैं, इनमें से 41 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, जबकि 25 सीटें ओबीसी प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए 13 सीटों पर रिजर्वेशन पूर्ववत रखा गया है, जो पिछली वार्ड आरक्षण लॉटरी में निकाला गया था। वार्ड आरक्षण सूचना का प्रकाशन 30 जुलाई को होगा और अंतिम अधिसूचना 5 अगस्त को प्रकाशित होगी। उससे पहले 30 जुलाई से 2 अगस्त तक नागरिक आरक्षण से जुड़ी शिकायत, सूचना या सुझाव महानगर पालिका को जमा कर सकते हैं। आइए सुनाते हैं आयुक्त ने इसकी जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा। नवी मुंबई महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022, ये कार्यक्रम माननीय राज्य निवडणूक आयोग के निर्देश के अनुसार आज यहाँ पे संपन्न हुआ। आरक्षण का जो प्रोग्राम था, वो इसके पहले आरक्षण का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती और उसके साथ अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जमाती महिला, ये 2 आरक्षण यहाँ पे निश्चित किए गए थे। आज आरक्षण जो प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न हुआ है उसमें सबसे पहले जो नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, जो बीसी क्लास कहते हैं, उसका जो 25 जागा आरक्षित करने थे वो 25 जागा निश्चित यहाँ पे किए गए। उनमें से 13 जगह महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित की गई, ये प्रक्रिया सबसे पहले संपन्न हुई। उसके बाद सर्वसाधारण प्रवर्ग जो होता है उसमें देर आर 84 सीट्स, आउट ऑफ दैट 41 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन, वो 41 सीट है उसकी निश्चित यहाँ पे की गई। इसके आधार पे नवी मुंबई महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 जो है इसका आरक्षण का प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न हुआ है। इस प्रोग्राम के आधार पे जो आरक्षण की ड्राफ्ट लिस्ट है वो 30 जुलाई को पब्लिश की जाएगी महानगर पालिका की तरफ से और उस पर ऑब्जेक्शन मंगवाएंगे जाएंगे। वो ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए कालावधि दिया गया है वो 30 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक है और जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे दाखिल किए जाएंगे वो ऑब्जेक्शन का विचार करके अंतिम यादि 5 अगस्त तक महानगर पालिका की तरफ से पब्लिश की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।